सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल सन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, वीडियोस का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को जरूर पता चल चुका होगा कि आज के इस वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। जी दोस्तों, आज के इस वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो माइजो का ऐप है, ठीक है, उस माइजो के ऐप के अंदर न्यू अपडेट आने के बाद क्या क्या आप लोगों को न्यू फीचर देखने को मिलेगा एंड क्या पर क्या ऑप्शन है एंड उस ऑप्शन का काम क्या है, सब कुछ मैं आप लोग डिटेल्स में आज की इस वीडियोस के अंदर लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ देखने वाला हूँ। वीडियो का इंटरेस्टिंग एंड बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए। वीडियो कहाँ पर भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो के एक सेकंड भी स्किप कर देंगे तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सो फिर चले वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को छोटा सा एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। अगर मेरा इस वीडियोस को पहले बार देख रहे हैं तो मेक श्योर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस सब्सक्राइब का बटन के ऊपर क्लिक कर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के अंदर आप लोगों को मोबाइल टिप्स, कंप्यूटर टिप्स एंड व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद वीडियो देखने को मिलता है और डेली देखने के मिलेगा। सो फिर चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनल आ चुका मैं मेरे मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर एंड मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को करने का होगा न्यू अपडेट देखने के लिए या फिर पाने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को करने का होगा जो माई जियो का ऐप है, उस माई जियो का ऐप को सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल ऑलरेडी है तो वहाँ पर सबसे पहले आप लोग करने का होगा, ठीक है। और आज के डेट में सभी लोगों का फ़ोन के अंदर माई जियो का ऐप तो रहता ही रहता, जिसने खास करके जियो कंपनी का सिम कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे पहले उस न्यू फीचर को देखने के लिए आप प्ले स्टोर को ओपन करके यहाँ पर माई जो सर्च करके उस ऐप को सबसे पहले अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। तो मैंने उस माई जो का ऐप को सर्च कर लिया एंड सर्च करने के बाद अगर कोई भी अपडेट आता है तो वहाँ पर मुझे देखने के मिल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी उस ऐप को अपडेट कर लिया, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली ओपन करने के लिए बता रहा है। अगर आप अपडेट नहीं किया तो सबसे पहले उसको उस ओपन वाला ऑप्शन के ऊपर आप लोग के अपडेट बोल के एक ऑप्शन आ जाएगा, तो इसमें उस अपडेट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उस ऐप को सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ तो इसलिए उस ऐप को डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। आप इसमें ओपन कर लीजिए एंड ऐप को ओपन करने के बाद अभी उस 2023 में बहुत सारे न्यू फीचर अभी आप लोग देखने के मिल जाएगा उस माइजो का ऐप के अंदर। वन बाई वन सब कुछ मैं आप लोग को डिटेल्स में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कहाँ पर क्या ऑप्शन है एंड किस ऑप्शन का क्या काम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले उस ऐप को ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरा जो इंटरफेस है वो पहले जैसा था वो अभी नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा जो फीचर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। क्योंकि अब सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं ऐप को ओपन करने के साथ साथ सबसे पहले आप लोग को मोबाइल बोल के एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को वन बाई वन सब कुछ मार करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल वाला ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जियो फाइबर, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ट्रू 5G, उसके बाद यहाँ पर ई पे माई ट्रांजेक्शन करने के लिए, रिचार्ज वगैरह करने के लिए, उसके बाद मूवीज एंड म्यूजिक एंड गेम्स एंड नेक्स्ट यहाँ पर जियो मार्ट, उसके बाद यहाँ पर फार्मेसी, उसके बाद एंगेज, उसके बाद यहाँ पे इजी गवर्नमेंट, उसके बाद मोर, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख सकते हैं मोर वाला ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर देता हूँ एंड मोर वाला ऑप्शन के ऊपर जैसे एक बार क्लिक कर दूँ, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बैंकिंग एंड पेमेंट्स, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हेल्थ एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो भी यहाँ पर देख सकते हैं इजी कॉप क्लाउड, उसके बाद एजुकेशन, ठीक है। क्लाउड वो ये है कि आपका कोई भी डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर कुछ डाटा भी यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में, लगभग 5 GB तक आप कोई भी डाटा उनका क्लाउड सर्वर के अंदर डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जियो ऐप्स, यहाँ पर देख सकते हैं जियो 7, उसके बाद जियो मार्ट, जियो सिनेमा, जियो TV, जो कि जियो 7 वाला जो ऐप है वो अपने जो जियो TV है उस TV के सेट करने के लिए, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जियो मार्ट, उसके बाद देखिए जियो 7 वाला ऐप के ऊपर मैंने जियो TV के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ जो कि बिल्कुल फ्री में, ठीक है। कैसे जियो TV के सेट करना है वो वाला वीडियोस देखना चाहते हैं तो उस वीडियोस का लिंक आप लोग को मिल जाएगा इस वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर आई बटन के अंदर उस वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, आप चाहते देख सकते हैं। उस वीडियो को देख के आप बिल्कुल फ्री में अपने जियो कंपनी का जो नंबर है उस नंबर के साथ जियो TV को बिल्कुल फ्री में सेट कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं जियो मार्ट, आप कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। उसके बाद जियो सिनेमा, मूवीज़ वगैरह एंड वेब सीरीज वगैरह, उसके बाद जियो TV, ये भी आपका TV के जो चैनल है वो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जियो न्यूज, ठीक है, न्यूज़ आपको देखने के लिए, उसके बाद जियो मीट, ठीक है, जो कि वीडियो कॉल वगैरह करने के लिए, उसके बाद जियो हेल्थ, हाँ, आपका जो हेल्थ का कैटेगरी के अंदर जो भी आता है मेडिसिन वगैरह, उसके बाद डॉक्टर के साथ डेली कंसल्ट करने के लिए वो भी यहाँ पर सुविधा है। उसके बाद जियो गेम्स, गेम्स खेलने के लिए, उसके बाद यहाँ पर जियो क्लाउड डाटा स्टोर करने के लिए, उसके बाद जियो सिक्योरिटी, ठीक है, उसके बाद
जो पेज ठीक है जो कि वेबसाइट विल इंटरप्रेट सेफ एंड सिक्योर वेब ब्राउजिंग विद योर होम ग्राउंड वेब ब्राउजर, मतलब क्रोम ब्राउजर जिस तरीके से अपने इंटरनेट सर्चिंग वगैरह करते हैं यूज़ करते हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए सर्चिंग करने के लिए, तो यहाँ पर भी जियो कंपनी ने इस ब्राउजर को बनाया गया है ठीक है जियो कंपनी की तरफ से। अब इसको यूज़ कर सकते, उसके बाद यहाँ पर जियो स्विच ठीक है, उसके बाद जियो चैट ठीक है जो कि मैसेज वगैरह करने के लिए, उसके बाद यहाँ पर देख सकते जियो कॉल, उसके बाद यहाँ पर हर सर्कल, उसके बाद यहाँ पर नेट मिट्स, उसके बाद नेट वेलोसिटी रिलायंस डिजिटल, तो वन वन सब कुछ यहाँ पे दिया गया है जो कि आपको इतना अंदर मतलब पहले जैसा था वैसा नहीं है। पहले बहुत सारे ऐसा बेकार सा सेटिंग्स देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी इस तरह अभी पहले जैसा नहीं है। यहाँ पर आप जो ट्रू 5G वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपका 5G का पैकेज है, उस पैकेज को आप लोगों ने देख सकते हैं, रिचार्ज प्लान क्या है एंड रिचार्ज भी कर सकते हैं अपने नंबर के साथ। लेकिन अगर आपका मोबाइल फ़ोन 5G सपोर्ट है तो तब उसको उस पैक को रिचार्ज कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर चेंज करने के लिए बताया जाएगा ठीक है। मतलब आपका 4G मतलब आपका जो 5G डिवाइस है ठीक है, तो अगर आपका 4G सिम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर 5G पर सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरे 5G सपोर्टेड मोबाइल फ़ोन नहीं है तो इसलिए इसको नहीं दिखा पा रहा हूँ ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है एंड अभी भी 5G बहुत सारे सिटी के अंदर अभी भी अवेलेबल नहीं है, जो बड़ा बड़ा सिटी है वहाँ पर सिर्फ आया है ठीक है। बहुत जल्दी आ जाएगा सभी जगह के अंदर 5G वाला नेटवर्क, एंड उसके अंदर और भी बहुत सारे फ्यूचर है जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ आप लोगों ने देख सकते हैं मेनू, यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है जो वो जो मैं आप लोग दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते रिचार्ज वाला सेक्शन, उसके बाद जियो ट्यून्स, उसके बाद जियो केयर एंड यहाँ पर मेनू ठीक है। मेनू के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स है जो कि मैं आप लोग दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मेनू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल एंड सेटिंग्स, उसके बाद रिचार्ज और नंबर, मतलब आपका प्रोफाइल के अंदर जो भी सेटिंग्स वगैरह है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स ठीक है, सब कुछ आप लोग यहाँ पर देखने मिल जाएगा। उसके बाद रिचार्ज और नंबर, मतलब आपका खुद का नंबर को रिचार्ज करने के लिए सेकंड वाला ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अपने फ्रेंड रिश्तेदार किसी का नंबर को रिचार्ज करना है तो वो यहाँ पे तीसरे नंबर जो ऑप्शन है इसको यूज़ कर सकते हैं रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड। उसके बाद माई प्लान्स, आपका जो नंबर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या रिचार्ज है, रिचार्ज कब तक खत्म होने वाला है, आपका इंटरनेट क्या है ठीक है, कितना भी आपका डाटा है, उसके बाद आपका SMS कितना भी है, सब कुछ आप लोग देखने के लिए। उसके बाद देख सकते हो माई यूसेज, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं आपका SMS कितना है या फिर आपका डाटा कितना है, कितना यूज़ किया वो देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते रिचार्ज हिस्ट्री, आपका रिचार्ज जो भी किया उसका हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते स्टेटमेंट, आपका जो भी रिचार्ज हिस्ट्री का कॉल आप लोगों ने जो भी फ्रेंड के साथ या फिर आपका रिश्तेदार या फिर किसी को भी कॉल करते हैं उसका स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। उसके बाद वाउचर, आपका कोई भी वाउचर है पहले से पड़ी है तो उस वाउचर की भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कूपन्स एंड विनिंग्स, आप कोई भी यहाँ पर रिचार्ज वगैरह जो करते हैं वहाँ पर जो भी रिवार्ड्स मिलता है उसको देखने के लिए है सबसे लास्ट वाला ऑप्शन। उसके बाद हम देख सकते हैं जियो ट्यून्स, आपका नंबर के साथ जियो ट्यून्स सेट करने के लिए। उसके बाद जियो फाइबर, उसके बाद हेल्थ ठीक है, ये तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते जियो UPI ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों ने जियो UPI यूज़ करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे लास्ट के अंदर है सेटिंग्स, सबसे ऊपर के अंदर आप लोगों को आपका नंबर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हो प्रोफाइल वाला एक ऑप्शन देखने मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका नंबर के अंदर जो भी डिटेल्स वगैरह है वो देखने के लिए आप चाहते जरिए उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हो डो नॉट डिस्टर्ब सर्विस सेटिंग्स, ये वाला ऑप्शन ऑन करते हैं तो वहाँ पर आपका जो भी मैसेज वगैरह आता है वो यहाँ पर नहीं आएगा ठीक है, जो भी आएगा वो साइलेंटली आएगा। उसके बाद देख सकते हो इंटरनेशनल रोमिंग, अगर आप इंटरनेशनल कॉलिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आपको इंटरनेशनल रोमिंग का जो पैकेज है वो रिचार्ज करना पड़ता है। उसके बाद देख सकते हो लॉस्ट सिम ब्लॉक और रिप्लेस इट, तो आप ऑनलाइन भी आपका जो सिम यहाँ पर आपका लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है तो वहाँ पर कोई भी ब्लॉक हो जाता है वहाँ पर रिप्लेस करना चाहते हैं या नया सिम लेना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को यूज़ करके ले सकते हैं। उसके बाद देख सकते हो PUK, अगर आपका सिम के अंदर PUK लॉक हो जाता है तो वहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं एंड बैंस कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं जियो ऑटो पे, अगर आप जियो पे वाला ऑप्शन को फ्यूचर के यूज़ करना चाहते हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हो वॉलेट्स वाला ऑप्शन, जियो कंपनी के जो इस माई जो का ऐप है उस ऐप का जो वॉलेट है उस वॉलेट के अंदर भी पैसा आप ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेफ्ट कार्ड, अगर आप कोई भी कार्ड से ट्रांजेक्शन किया हो लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर जो भी ATM कार्ड वगैरह यूज़ करके यहाँ पर सेव करके रखा है, ट्रांजेक्शन किया है तो उसका डिटेल्स देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं माई डिवाइस, आपका कौन सा कंपनी का मोबाइल फोन यूज़ कर रहे हैं उसका डिटेल्स देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते जियो एक्सक्लूसिव, अगर आप जियो के अंदर जो भी ऑफर वगैरह है वो देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते अनलॉक डिवाइस, अगर आपका जो डिवाइस है वो लॉक हो गया या फिर अनलॉक करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर अनलॉक कर सकते। उसके बाद देख सकते हैं ऐप सेटिंग्स एंड ऐप लैंग्वेज, अगर आप कोई भी भाषा चेंज करना चाहते हैं तो उस भाषा को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते ट्यूटोरियल, अगर आप कोई भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं आपको समझ में नहीं आता है तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट माई जियो, अगर उस माई जियो ऐप का अबाउट देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं।
या फिर सबसे लास्ट के अंदर यहाँ पर देखिए लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस। अगर आप उस आपका ना अगर आप उस जियो कंपनी के नंबर को बहुत सारे मल्टीपल डिवाइस के अंदर या फिर मोबाइल फ़ोन के अंदर लॉगिन करके रखा है, आप चाहते हैं कि डायरेक्टली उस फोन से ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाए, तो वहाँ पर इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सबसे लास्ट के अंदर और एक ऑप्शन देखने को मिला है जो कि आप देख सकते हैं लॉग इन विद अनदर नंबर। अगर आप चाहते हैं कि सेम डिवाइस के अंदर अपने सेम मोबाइल फ़ोन के अंदर जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर मल्टीपल मोबाइल नंबर मतलब जियो मतलब जियो कंपनी का मोबाइल नंबर लॉगिन करके उसका डिटेल्स देखना चाहते हैं अपने फ्रेंड का या रिश्तेदार का, कोई भी मामी पापा या फिर फ्रेंड, ठीक है, सिस्टर जो भी है उसका डिटेल्स देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ऑलरेडी वीडियो है, इस वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आई बटन के अंदर उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप चाहते जरूर इसको देख सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। कोई भी सवाल हो जाते जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हो, एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो फटाफट नीचे सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के अंदर आप लोगों को डेली मोबाइल टिप्स, कंप्यूटर टिप्स एंड व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ट्रिक्स के ऊपर वीडियो डेली देखने के मिलता है। सो अपना चले आज के दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।